Very good morning, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for this particular profile of ESIC Deputy Director. So I have been telling you from quite some time now that please keep preparing and the examination dates can come anytime, and it has finally come. So your examination of ESIC Deputy Director is going to be held on 17th of July. And now a very pertinent question that might be hovering in your all aspirants' mind is, sir, what can we expect from ESIC Deputy Director exam? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द लेवल, व्हाट कुड बी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट कुड बी द टॉपिक्स फ्रॉम व्हिच स्पेसिफिक क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. सो ये सारी चीजों को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली फोकस अपॉन थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी व्हाट इज गोइंग टू बी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, कितने मार्क्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है और कितने मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है. सेकेंड क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आंसर स्पेसिफिकली इज बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, बिकॉज जो भी हमें पास्ट ईयर पेपर मिल पाए मैंने उसको प्रॉपरली एनालाइज किया. दो अलग वीडियो में अलग लेक्चर में भी उसको थॉरली एनालाइज करेंगे इन ऑर्डर टू हैव अ लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बट हेयर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गोइंग टू फोकस अपॉन कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिकॉज इफ यू हैव अ ब्रॉड आइडिया तो आप उसी अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स पे फोकस कर पाएंगे, उन टॉपिक्स पे वेटेज दे पाएंगे. द थर्ड एलिमेंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट इज एन अप्रॉक्सिमेट लेवल ऑफ द क्वेश्चंस और द लेवल ऑफ द पेपर दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड. बिकॉज लेवल भी समझना बहुत जरूरी है. तो क्या करेंगे, टॉपिक के अप्रॉक्सिमेटली क्वेश्चन देखते जाएंगे बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, और साथ साथ में ये भी बताता जाऊंगा किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन प्रैक्टिस एंड वर्क अपॉन. ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड इफ यू थिंक दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन सो दैट यू कीप गेटिंग ऑल द अपडेट्स. चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिएगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं. सो रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी फॉर 300 मार्क्स, और जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होने वाला है. नाउ इट इज ऑलरेडी बीइंग मेंशन कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके मैक्सिमम मार्क्स 300 होने वाले हैं, और साथ साथ एक लाइन लिखी हुई है दैट द वेटेज ऑफ योर रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड योर इंटरव्यू इज गोइंग टू बी इन द रेशियो ऑफ 75:25, या फिर जिसको हम 3:1 का रेशियो कह सकते हैं. तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन हैव अ फेयर आइडिया कि यार 300 मार्क्स का अगर मुझे एग्जाम लिखना है, दैट मींस रिक्रूटमेंट टेस्ट अगर 300 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाएगा, और टोटल जो है दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 400 मार्क्स. यहां पे आपको मैं बता दूं कि बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस 100 क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद है. ठीक है, इसमें सेक्शन ए जो है इंग्लिश है उसमें से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड 85 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम योर सेक्शन बी व्हिच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन कवरिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा बिकॉज 300 मार्क्स का एग्जाम होना है. तो 100 × 3 इज गोइंग टू बी योर अमाउंट ऑफ मार्क्स पर क्वेश्चन जो वेटेज होने वाला है. और यहां पे आपको ये भी ध्यान रखना है दैट देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, और 1/4 नहीं है नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इज एक्चुअली 1/3. सो अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, जल्दबाजी में रैंडमली आंसर मार्क्स नहीं करने हैं बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव मार्किंग. तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और कितने क्वेश्चंस आएंगे. आई थिंक दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड वेल. नाउ लेट मी टेक यू टू द सेकंड क्वेश्चन कि सेक्शन वाइज, बिकॉज ओवरऑल तो हमें पता चल गया, बट सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में या फिर सेक्शन 2 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो नाउ दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, आई हैव एनालाइज्ड देम वेल, और उसके बेस पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं यहां पे. तो अगर मैं सेक्शन ए के बारे में बात करूं, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट सेक्शन ए, सेक्शन ए से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड दिस इज योर सेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है. ठीक है, सो वेरी इजी सेक्शन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सेक्शन, और ऐसा भी सेक्शन नहीं है जिसको एक दिन में पढ़ा जा सकता है या एक दिन में समझा जा सकता है. सो इफ यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, लेट्स से इफ यू आर गुड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी बीइंग डन. सेक्शन बी जो है ये कॉम्प्रहेंसिव सेक्शन है जिसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली 10 टॉपिक्स ऑलरेडी मेंशन है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू ऑल कितने अच्छे से आप वहां परफॉर्म करते हैं. इसके अंदर आपको 85 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड दिस मेक्स टू बी अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस. तो ये आपका सेक्शन वाइज ब्रेकअप हो गया कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस आएंगे, एंड दिस इज अ कॉम्प्रहेंसिव पार्ट. सो मैं इसमें कोई सब्जेक्ट अलॉट नहीं कर रहा हूं, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे that what are the topics which are going to be covered. So section A is our English language section and section B is a very comprehensive question which is going to focus upon 85 questions approximately. And I'm repeating once again, this is totally based on the past year paper analysis, but at least ek idea lag jayega aapko ki aapko prepare kaise karna hai. Theek hai? Now let me just move ahead and answer the third question and a very important question in fact.
कि अब इस सेक्शन के अंदर लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन ए, व्हाट इज गोइंग टू बी द टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं और अप्रोक्सीमेटली उनसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिकॉज लेट्स से अगर आपको ये पहले से एक आइडिया लग जाए ब्रॉडली, एक्जैक्टली तो देखिए कोई भी नहीं बता पाएगा, बट अगर एक ब्रॉड आइडिया लग जाए सो यू कैन फोकस ऑन दैट सेक्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है, हो सकता है पैटर्न सेम रखा जाए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि बहुत साल बाद भी पेपर हो रहा है तो बहुत ज्यादा पैटर्न में चेंजेस लाएंगे वो। तो अगर पैटर्न सेम रहता है इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट मी फोकस ऑन सेक्शन ए फर्स्ट, विच इज योर सेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मुझे नजर आया दैट इज अ क्वेश्चन ऑन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक छोटा सा दिया हुआ है, नॉट अ वेरी लेंथी वन, 200-300 वर्ड्स का, और उसके ऊपर तीन क्वेश्चन पूछे गए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली दो से पांच अगर आप मॉक्स लिख लेते हैं या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और जो इसका लेवल था दैट वाज ऑफ अ वेरी इजी लेवल, तो बहुत डिफिकल्ट लेवल का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं था, बिकॉज लेंथी नहीं है तो ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। ठीक है, काफी हद तक इट वॉज ऑफ अ वेरी इजी लेवल। सेकेंड जो टॉपिक मुझे मिला इन द इंग्लिश सेक्शन वॉज फॉर एंटोनिम। एंटोनिम क्या होते हैं, अपोजिट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू द वर्ड इजी, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। ठीक है, सो इस तरीके के चार क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, अगेन वेरी इजी टू डू। थर्ड टॉपिक जो पूछा गया था दैट वॉज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आई एम श्योर आपको पता है, वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग्स दैट इज नोन एज सिनोनिम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक वर्ड दे दूं इंपॉर्टेंस इन द क्वेश्चन एंड आई आस्क यू दैट ओके दीज आर द फोर वर्ड्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ सिमिलर वर्ड और उसमें इंपेरेटिव गिवन है। ठीक है, सो इंपेरेटिव इज गोइंग टू बी द आंसर। सो अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक, आई थिंक नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, और इसमें से भी चार ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, फोर्थ टॉपिक विच वॉज देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज वॉज आइडेंटिफाई द एरर्स। अब एरर्स का क्या मतलब है कि आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन होंगे, यू विल बी गिवन सम काइंड ऑफ सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको देखना है कि उसके अंदर क्या एरर है या क्या मिस्टेक है। नाउ इट कुड बी अ काइंड ऑफ अ ग्रामेटिकल एरर, हो सकता है कुछ ग्रामर के अंदर मिस्टेक करी हो सकता है द चॉइस ऑफ वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड, फॉर एग्जांपल इज यूज करना चाहिए, आर यूज करना चाहिए, उसमें मिस्टेक्स हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो यू हैव टू बी केयरफुल देयर एज वेल। दो स्पेलिंग मिस्टेक में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, बट ग्रामेटिकल पोर्शन से एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, बिकॉज वो पास्ट ईयर्स में देखे गए। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली चार क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी पूछे गए थे एंड दिस मेक्स टू बी अ टोटल ऑफ 15 क्वेश्चंस। तो अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलने वाले हैं, दैट इज द सेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो आई थिंक दैट वॉज अबाउट सेक्शन वन और ए। अब सेक्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज आई बिलीव इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, बिकॉज इसके अंदर काफी सारे डाइवर्स टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं इनफैक्ट। तो अगर वो आप अच्छे से कवर करके चले जाते हैं, यू आर गुड टू गो इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इन 10 सेक्शंस को पहले देख लेते हैं। अब देखिए नोटिफिकेशन के अंदर सेक्शंस तो लिखे हैं बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, तो ये मैंने पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एंड होपफुली इफ यू एक्सपेक्ट द पैटर्न टू रिमेन द सेम, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, पहला जो टॉपिक है दैट इज द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एचआरएम। HRM is a topic of human resource management, ideally commerce और management के लिए होता है, बट मैं आपको बता दूं क्योंकि जो questions पूछे गए बहुत ज्यादा technicalities में जाके नहीं पूछे गए, बहुत ज्यादा depth में जाके नहीं पूछे गए, so you can expect moderate level of understanding in terms of concepts. अब जब मैं moderate level कहता हूं तो आपको clarity देने के लिए let me just give you an example. अब ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल direct question पूछ लिया जाएगा, एक line दे दी जाएगी और कहा जाएगा that identify the definition of HR, which is going to be a very easy question, या फिर let's say कुछ components दे दिया HRM के, let's say training, development वगैरह दे दिया, internal, external recruitment दे दिया, but ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा technicalities में जाके methods और techniques के अंदर चले जाएंगे, because that is what I could analyze with your past year paper analysis. जब एक अलग session में पूरा का पूरा past year paper analyze करेंगे तो उसके अंदर types of question भी बताऊंगा मैं, but यहाँ पे एक broad idea आपको दे रहा हूँ so that you have some level of clarity. तो मॉडरेट लेवल का क्या मतलब है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इफ यू आर क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट्स एट अ वेरी बेसिक लेवल आल्सो, ठीक है, देन आल्सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वेरी इजी मैनर। और कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आई थिंक बहुत ही अच्छा वेटेज है। ठीक है, 10 क्वेश्चन काफी अच्छे हो जाते हैं और अगर आपने सब्जेक्ट कवर अप कर लिया देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। सेकेंड इज प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसमें 7 क्वेश्चन आए थे। नाउ आई हैव ऑलरेडी बीन टेकिंग लेक्चर्स ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन सैटरडे एट 2 PM। अगर आप कॉन्स्टेंटली मुझे फॉलो कर रहे थे, लगातार सेशंस देख रहे थे, यू आर अटेंडिंग दोज सेशंस, बिकॉज वहां पे मैं क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट भी करा रहा था, आई थिंक यू आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब मैं मार्केटिंग के क्वेश्चंस देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको एक लेवल ऊपर की तैयारी करा दी है, द क्वेश्चंस दैट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग वर अ लिटिल डिफिकल्ट, और जो पूछे गए वो मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सेशंस अटेंड किए थे तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस। थर्ड इज
the subject of accounts and financial management. Now, Harneet sir has been doing a fantastic job there. I think Wednesday ko wo accounts aur financial management ka session lete hain 1-2 baje, and agar aap usko attend kar rahe the to I think aapke sare basic concepts clear honge. Un concepts ke basis pe aap aaram se ye question kar payenge, because bahut zyada numerical question nahi the. काफी बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इवन अकाउंट्स और एफएम के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल के ही हैं. ठीक है, तो अकाउंट्स और एफएम से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 11 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आइडियली 2 सब्जेक्ट है, एक अकाउंट्स है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो इसलिए 11 क्वेश्चन पूछे गए. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इनको प्लीज अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज इनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005. ठीक है, लीगल टॉपिक है बट बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है. आई थिंक जनरल अवेयरनेस हम सबको होनी चाहिए इसके बारे में. ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं बता दूं कि ये बहुत ही आसान सा एक्ट है. अगर आप बेयर एक्ट भी उठा लेंगे तो आप देख पाएंगे कि 7 से 8 पेज का ये, और उसमें ऐसा कुछ भी है नहीं जो एमसीक्यू में पूछा जा सके. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई अगर मैटर जो है, जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है, वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो कितने टाइम के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कितने टाइम के अंदर आप पीआईओ को, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपील कर सकते हैं, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस हैं. बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात वहां नहीं है, तो यू कैन कवर दिस टॉपिक इन अ वेरी इजी मैनर. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड आई थिंक इससे हाईएस्ट वेटेज है, दैट इज देयर आर 16 क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड आउट ऑफ 85. तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेक्शन बी के अंदर 85 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 16 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे. Now let's address the elephant in the room कि मुझे पहले से ही पता है, and it's a very obvious thing also, that you have been preparing for various other competitive exam. Let's say आप UPSC के लिए prepare कर रहे थे, RBI के लिए कर रहे थे, SEBI के लिए कर रहे थे, NABARD के लिए कर रहे थे. So आपका जो phase 1 होता है, that is specifically focused upon numerical ability, logical reasoning and some other topics as well. So वो topic मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से prepare कर रहे थे, you were preparing for other competitive exam, तो ये questions जो हैं 16, ये आप बहुत आसानी से knock कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे जो मुझे लेवल लगा वो RBI SEBI NABARD से कम ही है, उसके ऊपर का लेवल नहीं था क्वेश्चंस का, उससे कम ही लेवल था. तो अगर वहां आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू नीड नॉट वरी फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. 5 क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल बेसिक लेवल के. बेसिक लेवल से क्या मतलब है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, रैम, रोम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, इंटरनल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइसेस. तो बेसिकली बिल्कुल जो बेसिक्स होते हैं, जो आपने 11th 12th में कंप्यूटर्स के पढ़े, इनफैक्ट उससे भी पहले पढ़े होंगे, उस पे क्वेश्चन पूछे गए थे. 5 ही क्वेश्चन थे. बेसिक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस भी अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस की है, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस, इसमें से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे. नाउ इफ आई हैव टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट जनरल साइंस, मुझे जो समझ में आया बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपने NCERT कवर करी हुई है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कवर करते ही हैं इफ दे प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो अगर NCERT की आप 8th 9th और 10th, सिर्फ 3 क्लासेस की मैं आपको बुक पढ़ने को कह रहा हूँ, अगर आप ये 3 बुकें पढ़ लेंगे साइंस की, आई थिंक यू विल बी गुड टू, बिकॉज बिल्कुल बेसिक सवाल जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, वो पूछे गए थे. फॉर एग्जांपल पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को. ठीक है, या फिर किसी केमिकल का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया. सो काफी बेसिक लेवल के सवाल थे, यू विल जस्ट हैव टू ब्रश अप, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 8 ही क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इश्यूज. नाउ व्हाट आई फेल्ट इज ऑन हैविंग अ लुक और हैविंग अ ग्लांस ऑन दीज questions from this particular section is economic and social issues. अगर आप economic and social issues prepare कर रहे हैं, you are working on preparing for RBI grade B, तो वहाँ का जितना भी syllabus है वो बहुत sufficient है, it is more than sufficient, और वो section अगर covered है, you are already prepared for this, because basic जो development issues हैं, जो basic schemes हैं government की with respect to development, उन पे ही सवाल पूछा गया था, and it is a part of your static section. ठीक है, static section मान के चलिए, वहाँ से 5 question पूछे गए थे, not a very difficult thing to achieve. नेक्स्ट इज फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन. 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी अच्छा वेटेज है, एंड दिस इज एंटायरली द वेटेज ऑफ योर हिस्ट्री सेक्शन. तो जिनको भी थोड़ी हिस्ट्री आती है, या अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, या आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, आई थिंक वो सेक्शन अगर आपका कवर्ड है, तो यू आर वेल प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन. तो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बट आई एम श्योर काफी इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, सो वहां से ये टॉपिक कवर किया जा सकता है. लास्ट सेक्शन है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. इससे 12 सवाल पूछे गए थे, और बिल्कुल ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है. अगर आप स्पॉटलाइट फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग स्पॉटलाइट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ स्पॉटलाइट, आई थिंक ये सेक्शन पूरा का पूरा स्पॉटलाइट से कवर किया जा सकता है. एंड नेहा मैम हैज बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब देयर इन कंपाइलिंग मंथली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस शी हैज बीन प्रोवाइडिंग यू द स्पॉटलाइट एज वेल. सो आई थिंक
ये 10 टॉपिक्स हैं और ये उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, किसी भी सेक्शन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। द क्वेश्चंस आर मेजरली फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल। तो ओवरऑल अगर पेपर के लेवल के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप बहुत डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल का होने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट पेपर, बट एटलीस्ट यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज 10 टॉपिक्स। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी दैट हाउ शुड यू मूव अहेड। वी विल बी कमिंग अप विद अ सीरीज ऑफ लेक्चर जहां पे हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, बट उसके लिए आपको लगातार कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना होगा और हमारे साथ बने रहना होगा। सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, दैट वॉज ऑल, थैंक यू, टेक केयर। एंड टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहे। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय।